स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सेशन 2023-24। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपका सेशन जो है लगभग मिड में आ गया है। कई बच्चों ने अभी तक रिजल्ट के बाद पढ़ना शुरू नहीं किया है। अब देख सकते हैं सीबीएसई का ये सर्कुलर रिलीज हो चुका है 12 जुलाई को, ठीक है। वो सर्कुलर आपको क्या बता रहा है कि सीबीएसई विल कंडक्ट योर एग्जाम, यानी कि आपके एग्जामिनेशन का सर्कुलर है ये, ऑफिशियल सर्कुलर, ऑथेंटिक सर्कुलर। क्लास 10 क्लास 12 का एग्जाम 15 फरवरी से होने वाला है। ये बातें बस अभी थी, बट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भरद्वाज का सिग्नेचर भी है यहाँ पर। और आपका एग्जाम पूरे 55 दिन में होगा, ठीक है। सो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 15 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, एंड दीज एग्जामिनेशन विल बी देयर फॉर 55 डेज एंड आर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड बाय 10th of April, ठीक है। जैसे इस सेशन में हुआ वैसे ही आपके सेशन में भी होगा। सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस होल्डिंग एनी एग्जामिनेशंस आर रिक्वेस्टेड टू फिक्स द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन कीपिंग इन व्यू द अबव शेड्यूल। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एग्जाम्स जो है, जैसे जेई हुआ, नीट हुआ, सीयूईटी हुआ या और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो सीबीएसई के हिसाब से अपने एग्जामिनेशन रखें ताकि डेट क्लैश ना हो, करेक्ट। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चे, तो अब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि दिस इज द टाइम टू गेट सीरियस। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी देखो, जनवरी से फरवरी तक तो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम में जाएगा। मीडिया की बात करें तो ऑथेंटिक मीडिया से भी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो होंगे उनकी तारीख अब फिक्स हो गई है। सीबीएसई ने इस डिसीजन को लेने से पहले बहुत लोगों से इनपुट लिया है, अलग अलग इनपुट्स और सुझावों के विचार करके ही ये नतीजा आया है कि सीबीएसई ने कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए अब यानी कि फाइनलाइज हो गया कि आपका एग्जाम 15 फेब से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखा है, क्योंकि देखो टीचर्स भी ये जानते हैं कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं परसेंटेज, और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसके नंबर्स घटा दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर्स के नंबर घटा दिए गए हैं, परसेंटेज घटा दिए गए। इससे नुकसान ये हो गया ना कि शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में आपको अटेम्प्ट के नंबर मिलते थे, अब सीबीटी में ऐसा एमसीक्यू के नंबर बढ़ा देने से ये होता है कि आपको ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू इज आइदर राइट और रॉन्ग, लेकिन जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स होते हैं वहाँ पर अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन इनके क्वेश्चंस ही कम हो गए हैं। तो इसीलिए इस साल भी बोर्ड में पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा घट गया था। आपके पास अभी भी समय है, तो अभी से आप अलर्ट हो जाइए। सीबीएसई ने ये घोषणा कर दिया आपकी एग्जामिनेशन तो आपका भाई होना है 15 फरवरी से। सो डॉक्टर संयम भरद्वाज जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि भाई 55 दिनों तक एग्जाम चलेगा, 10 अप्रैल को ही एग्जाम आपका खत्म होगा। और ये आप जानते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से डिस्कशन करके डिसीजन लिया गया है। सो जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स 15 फरवरी से 21 मार्च तक होंगे, संभावना है, यानी कि मान लो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई उस वक्त तो ही चेंजेस आएंगे, अदरवाइज ये फिक्स्ड है। और जो 12th के स्टूडेंट्स उनका 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक एग्जामिनेशन होगा। छात्रों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन तारीखों के मुताबिक अपनी तैयारी और प्लानिंग स्टार्ट कर दो। आपको बस डेट शीट नहीं पता है ना, बट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा वो तो पता चल गया है। फेब में एग्जाम में सोचो आप जनवरी से ही एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है 2 जनवरी से 14 फरवरी, यानी कि अब आपके पास टाइम कितना है, अभी आप जुलाई के मिड में आ गए हो, ठीक है। तो हाफ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपको मुश्किल से 5 महीने हैं लगभग, ठीक है। इस 5 महीने में 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो अब डट के तैयारी शुरू कर दो। एंड यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स को इस समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, समय सीमा का, और परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा से स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी शेड्यूल को व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तैयारी सुनिश्चित करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि विद इन द टाइम फ्रेम आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं एक स्टूडेंट की शैक्षणिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, आपका जो एकेडमिक कैरियर है उसमें 10th 12th के नंबर, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत नंबर लाना जरूरी है, बट आपको एटलीस्ट क्वालिफाई करना तो जरूरी है, पास करना तो जरूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके पास अभी वक्त है, तो इसलिए यह अनुशंसा की जा रही है कि छात्र अपनी पढ़ाई के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण बनाए, यानी कि आपके पास एक स्केड्यूल हो प्रॉपर, ठीक है, जहाँ जहाँ किसी भी संदेह या कमजोरी के क्षेत्रों का तुरंत समाधान करें।
स्टूडेंट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका आलस, आलस को दूर भगाइए, हैव अ स्केड्यूल, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, फिक्स करो और उसको फॉलो भी करो, ठीक है। एक घंटे दो घंटे से ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं पढ़ो, बीच बीच में गैप्स दो। और अगर मैं बात करूं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की, तो बच्चों ऑल द थर्ड हर चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री के 30-30 क्वेश्चंस हर चैप्टर के बना दिए गए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड साथ में वन शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी स्टार्ट हो गई है, प्लस 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की भी एक वीडियो बन गई है, जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन द बैच, जो कि जूम के थ्रू हम करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं, तो डू राइट मी अ मेल ताकि फर्दर डिटेल्स मैं आपको दे सकूं। ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप फ्रेश बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।